हेलो हमारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अच्छा, आज दिन है बुधवार का, वेटनसडे का, और अभी यहाँ पे फातिमा बना रही हैं हमारे लिए नाश्ते में सुबह सुबह हलवा। नहीं, खैर सुबह सुबह नहीं हो रही, दोपहर के बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 11:10। ऐसा नहीं है कोई 6 बजे हमारे घर में सुबह के हलवा बनना स्टार्ट हो गया। हानिया की तबीयत माशाल्लाह से बहुत बेहतर है, पहले से ठीक हो चुकी है हानिया। यहाँ पे चल रही है हमारे लिए सुबह नाश्ते की तैयारी, फातिमा ने हलवा तैयार कर लिया है और अभी बनाएंगी हलवे के साथ साथ ऑमलेट। आज हमारा थोड़ा सा यहाँ पे पानी की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये रात के बर्तन है, रात से ही पानी गया हुआ है, रात हमने चाय वगैरह पी थी उसके कप रखे हुए हैं ये, तो पानी की रात से यहाँ पे दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। खैर आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा एक बात और है कि जैसे ही पानी आ जाता है तो लेडीज़ उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। अभी जैसे ही पानी आ गया, फातिमा ने लगा ली वॉशिंग मशीन और यहाँ पे धुल चुके हैं सारे कपड़े हमारे, ये कपड़े जो है वो धुल के यहाँ पे रखे गए हैं। अभी इनको छत पे फेराने के लिए जाएंगे, धूप काफ़ी तेज़ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोपहर के बज रहे हैं 3:30, बिल्कुल सही 3:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये विंडो में से धूप दिख रही होगी आपको, धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, तो अभी धूप थोड़ा सा ढलने का इंतज़ार हो रहा है, उसके बाद जो है ये कपड़े सुखाए जाएंगे ऊपर ले जाके, और हम कहीं निकल रहे हैं। आइए दिखाता हूँ आपको कहाँ। ये देखिए गाइज, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, शायद आपको अंदाज़ा हो गया हो इस वीडियो को थोड़ा सा देख के मेरी, शायद आप इस जगह को पहचान गए हो। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, उस टाइम बज रहे थे 3:30, उसके बाद हम निकल गए मुजफ्फरनगर के लिए, मैं, जोहान, हानिया और फातिमा, और हम सात खैरियत से यहाँ पे मुजफ्फरनगर पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। फातिमा आराम से टहलती हुई आराम से आ रही हैं हानिया को लेकर, और हमने दिया ये घर के अंदर अचानक घुस के सरप्राइज़ शगुफ्ताबाजी को, इनको पता भी नहीं कि हम लोग इनकी वीडियो बनाते हुए घर में घुस रहे हैं, और ये अब हमारी तरफ देखेंगी और ये चौंक गई हमको देख के कि हम लोग अचानक किस तरीके से यहाँ पर आ गए, और बहुत खुश हो गई हैं एकदम से। इन्होंने हानिया को ले लिया गोद में, देख लो हम तो कैसे आ गए अचानक, साथ कमीज पहनो, नंगे आओगे वीडियो के अंदर, इतना सूखा हुआ सलमान खान। शगुफ्ता जी ने बनाए यहाँ पे कचरी, शगुफ्ता जी छोले बनाए कि आए बनाए, इतने ही बनाए और बनाए, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा हानिया कहाँ गई आप, आने के घर पे आ गई, देखना हम सुबह वहाँ थे, भी नहीं चला भाई, कैसे खा रही हो बच्चे, मेरे जरा फाजमा भी बहुत सारा, आराम आराम से खा लो, गिरा गिरा के खा रही हो, आम ना खाओ, मेरे पापड़ में बहुत अच्छे लग रहे हैं ये छोले, ऐसे करके पापड़ लो, ओए होए होए होए, मगर ये पापड़ इनका छोलों का वजन नहीं उठा पा रहे। भाई फातिमा आ नहीं रही थी, फातिमा कह नहीं क्या करेंगे जाके, मैंने कहा रमजान से पहले चलो, फिर तो मैं एहतिकाफ में बैठ जाऊंगा पहले रोजे से ही, फिर मेरा आना जाना मुश्किल हो जाएगा कहीं पर भी, तो इस वजह से हम अचानक भाग गया है वहाँ से। अभी हम आए यहाँ पे घूमने, मगर ये मुजफ्फरनगर केले इतने से क्यों हैं देख तो लो, तो हाँ इतने से बच्चे इनके, इतने से केले, इतनी सी खुद है, सब चीज़ें यहाँ छोटी छोटी सी हैं, मगर बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई पापड़ जो है ना इससे, छोलों से इसमें ले लेना, तो तुम ये कहाँ स्कूल के बाहर कहाँ बेचती थी पहले ये छोले ये तो वही लग रहे हैं। तो जी हम तैयार हैं यहाँ पे हानिया के साथ, हानिया जो है नहा धो के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगे सहारनपुर के लिए, मगर अच्छा इत्तेफाक ये हो गया कि 2-3 हानिया की जो ड्रेसेस आई थी, मतलब वो ड्रेसेस नहीं है वो नाइट सूट हैं, वो फातिमा से गलती से वहीं रह गए दिल्ली में, तो अभी फातिमा को चाहिए बच्ची को पहनाने के लिए, हानिया को पहनाने के लिए नाइट ड्रेस। मैंने मना भी करा, मैंने कोई बात नहीं रहने तो कोई ज़रूरी नहीं है, मगर फातिमा ने बोला कि नहीं मेरी बच्ची है मैं लेकर आऊँगी, तो मैंने बोला नहीं तुम्हारी बच्ची नहीं है ये हमारी बच्ची है, तो हम चलते हैं इसकी नाइट ड्रेस लेने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल शॉपिंग मॉल, दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 2:30, धूप में काफ़ी तेज़ी है सहारनपुर, या तो हम आज शाम को ही निकलेंगे इंशाल्लाह 5-6 बजे तक। यहाँ से ज़्यादा 1.25 घंटे का रास्ता है सहारनपुर का, ये मतलब यहाँ से 60-65 किलोमीटर है, तो अभी जो है हम अगर यहाँ से 5-6 बजे भी निकले तो जब भी 7-8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह अपनी स्कूटी से।
तो इस वजह से अभी हम सोच रहे हैं कि दोपहर में धूप तो मतलब धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, अभी हम नहीं निकल रहे हैं वहाँ के लिए। फ़िलहाल हम जा रहे हैं, यहाँ पे पास में ही एक शॉपिंग मॉल है। अच्छा, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, मैं उन लोगों को बता दूँ कि ये जो जगह है ये मीनाक्षी चौक कहलाती है, मुजफ्फरनगर की बहुत फेमस जगह है। और रात में तो यहाँ पर इतनी रौनक रहती है, सच में यहाँ पर खड़े हो गए ऐसा लगता है कि हम जैसे दिल्ली में ही खड़े हुए हैं। तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो जो मैं वैसे पहले कई दफ़ा आ चुका हूँ, अपनी पिछली वीडियो में भी कई सारी वीडियो में यहाँ का दिखाया है, मगर जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ मैं उनके लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं शॉपिंग मॉल में। एक मॉल है यहाँ पे, अच्छा खासा बड़ा मॉल है, छोटा मॉल नहीं है। मॉल तो वैसे बड़े ही होते हैं, छोटे कहाँ होते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं उस मॉल के अंदर अपनी हानिया के लिए, एक दो लेते हैं ड्रेसेस वहाँ से और उसके बाद फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह सहारनपुर के लिए, या तो आज ही या फिर कल सुबह सुबह। तो जी, अभी जा रहा है सस्पेंस खुलने इस मॉल के अंदर। हम इस मॉल में क्यों आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 2 महीने पहले मैं आया था यहाँ पे और रैयान की इन लोगों ने फ़ोटो ली थी और मुझसे बोला था कि हम अपने मॉल में लगाएंगे इसकी फ़ोटो। तो रैयान की फ़ोटो ये इन लोगों ने लगा दी है, मैं दिखाता हूँ आपको पास से। ये देखिए, रैयान को इन्होंने अपने पास से ये कपड़े पहनाए थे और इन्होंने रैयान की फ़ोटो ली थी और इन्होंने बड़ी करके रैयान की फ़ोटो यहाँ पर लगवा दी है। तो इसके अंदर रैयान काफ़ी जच रहा है। अभी इस पूरे शॉपिंग मॉल में तकरीबन 6-7 जगह पर रैयान के फ़ोटो लगे हुए हैं अलग अलग कपड़ों में। तो इस वजह से हमारा ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पर आना और मेरे पास फ़ोन गया था इनका कि भाई ये मॉल बन के तैयार हो गया है। ये मॉल अभी नया ही तैयार हुआ है, उस टाइम पे यहाँ पे काम चल रहा था 2 महीने पहले जब हम आए थे, तो उसी टाइम पे इन्होंने रैयान की फ़ोटो ले ली थी। तो नहीं गाइस, अभी मेरे ये बात ध्यान आ रही है कि ये बात 2 महीने पुरानी नहीं है, ये बात है तकरीबन दिसंबर के महीने की जब मैं यहाँ पर आया था। अच्छी खासी ठंड थी, मुझे अभी याद आया जिस टाइम में हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे इस मॉल के अंदर, ये उस टाइम पे नया नया तैयार हो रहा था। तो जब भी इन लोगों ने मेरी मतलब रैयान की फ़ोटो ले ली थी और मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया था कि मतलब सर जब ये मॉल बनकर तैयार हो जाएगा तो हम आपको तकरीबन 20,000 रुपये की फ्री शॉपिंग देंगे और आपको बुलाएंगे मतलब फ़ोटो लेने के लिए। मगर खैर गाइज, हमने इनसे मना कर दिया कि हमें शॉपिंग वगैरह नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारे बेटे के फ़ोटो यहाँ पर लगा दीजिए। तो इन्होंने उसके लिए अभी ये तैयारी करके फ़ोटो जब यहाँ पे तैयार हो गए तो इन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है रैयान के फ़ोटो यहाँ पे देख के, 6-7 जगह लग चुके हैं ये, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा अपना मॉल है शायद ही। अगर रैयान के फ़ोटो यहाँ पे लग चुके हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमने ये तैयार करवाया पूरा मॉल और रैयान यहाँ का छोटा मालिक है इस मॉल का। तो मतलब काफ़ी खुशी हुई रैयान का फ़ोटो देखने के बाद मुझे, तो मैंने सोचा ये बात थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बात अच्छी हो या ख़राब हो बुरी हो, मैं सारी बातें आप लोगों के साथ हमेशा शुरू से ही शेयर करता हुआ आया हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि आप सभी हैं जिनको मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। गाइस, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 20,000 रुपये की शॉपिंग कौन मना करता है, खैर ऐसा नहीं है, हमने शॉपिंग थोड़ी बहुत करी और जो हमने आने के कपड़े लिए थोड़े से, रैयान की भी टी शर्ट वगैरह, जोहान की टी शर्ट ली, रैयान की शर्ट भी ली एक वहाँ से, और मगर उन्होंने हमसे उन चीज़ों के किसी के भी पैसे नहीं दिए, कोई हमारा बिल नहीं बनाया और हमें प्लस कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी उन्होंने पिलाई, मतलब काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे जाके हमें। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सहारनपुर के लिए, थोड़ी देर और दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी अच्छा मॉल है ये। तो ये देखिए, हानिया के छोटे छोटे से शॉर्ट्स वगैरह भी हमें मिल गए वहाँ पर, बहुत अच्छे लगे हानिया के लिए, तो हमने ये सब ले लिए हैं वहाँ से और अभी हम निकलते हैं यहाँ से सहारनपुर के लिए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. ले लो अपने लिए, ये ले लो फातिमा, ये ले लो फातिमा अपने लिए, है ना भाई।
ये ले लो। जोहान कहाँ जा रहे हो आप? चलो आ जाओ जल्दी से। पद्मा कुर्ती वगैरह कितनी अच्छी लग रही है यार। ये कितने अच्छे लग रहे हैं सूट। एक ललचाई निगाहों से देखती हुई औरत सूटों को ये भी ले लूं और ये भी ले लूं, है ना? अच्छे नहीं लग रहे बेटा, ये बात नहीं है। यूं कहोगे अंगूर नहीं, मैं दिला तो दूंगा, मगर यूं कहोगे ये अंगूर खट्टे हैं थोड़े से, मतलब तुम्हारी मार्केट के हिसाब से थोड़े से महंगे हैं। ये यूं कहो साफ सीधी सी बात, हम सीधी बात करते हैं, सीधी बात नो बकवास। स्प्रेड के साथ घुस गए हैं, क्रॉकरी के अंदर आ गया मैं तो यहाँ पे। असल में जो लेडीज सिनमपुर चली जाती है ना, उन्हें मॉल की चीज़ें महंगी नज़र आती हैं फिर, है ना? तो साफ साफ बोलो ना हमारे चैनल पर, सीधी बात नो बकवास है, हम सीधी बात करते हैं। टॉयज नहीं मिले आपको? टॉयज तो बेटा नीचे होंगे। फातिमा देना टॉवल, कलरफुल देखो कलर कितने का जमीन के। तो गाइज हमें जो भी यहाँ से कपड़े वगैरह लेने थे वो सब हमने ले लिए हैं, और हमारे वो जो कपड़े हैं वो काउंटर पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमें बिल तो पे करना नहीं है। तो अभी खैर चलते हैं नीचे यहाँ से, और उसके बाद उनसे अपने कपड़े लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 शाम के, और अभी हमें यहाँ से सहारनपुर के लिए भी निकलना है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात ना हो जाए, तो इस वजह से हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, जो यहाँ का जो स्टाफ है उसके 3-4 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने हमसे रेगुलर बार बार पूछ रहे थे वो आके कि भाई आप अपने उस बेटे को लेकर क्यों नहीं आए जिसके यहाँ पे फ़ोटो लगे हुए हैं। तो हमने बोला कि हमने तो उससे बहुत बोला, बहुत ज़िद करी कि रैयान चलो हमारे साथ में, मगर उसने कर दिया मना कि रेडी मैं इतनी गर्मी में नहीं जाऊँगा। तो अभी मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम मेरा जब भी आना होगा यहाँ पर तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको इस मॉल के अंदर लेकर आऊँगा, क्योंकि जिस टाइम पर वो आया था उस टाइम पर तो इसके अंदर काम चल रहा था यहाँ पर, जब तो ये तैयार भी नहीं था। तो ठीक है गाइस, बस जल्द से जल्द निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ पे आए हुए। तो गाइस लेडीज़ को तो कितना भी सामान दिलवा दो, मगर अभी भी फातिमा का यहाँ पे दिल नहीं भर रहा है कि बस ये भी ले लूँ और ये भी ले लूँ और ये भी ले लूँ। मतलब सब चीज़ें फातिमा को यहाँ से लेनी है और हमें निकलने की हो रही है यहाँ से जल्दी, मगर फातिमा का दिल बिल्कुल नहीं भर रहा है। तो फातिमा को शायद ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सब चीज़ें फ्री में मिली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भाई पैसे तो हम देंगे यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि अगर उन्होंने कह दिया तो हम फ़ौरन ले लें। तो ठीक है गाइस, बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही, ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर यहाँ पे अपलोडिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे यूपी है, वाईफाई मिलता नहीं है किसी के यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सहारनपुर, इंशाल्लाह हम आगे वीडियो डालेंगे। तो ठीक है गाइस, बंद करते हैं इस वीडियो को, इस उम्मीद से कि शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारी ये वीडियो जो है अभी जो हमने स्टार्ट करी है, ये हम इस साइड आए हैं घूमने के लिए, तो अभी ये आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो ठीक है गाइस, बंद करते हैं इस वीडियो को, अल्लाह हाफिज़।